हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है रोटरी हैमर ड्रिल मशीन पर। और यहाँ पर मैंने ली है आईमैक्स की हैमर ड्रिल मशीन, जिसका मॉडल नंबर है DT226। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं क्या क्या आता है हमारे इस मशीन के साथ में। रोटरी हैमर ड्रिल मशीन आती है इस प्लास्टिक बॉक्स के साथ। सबसे पहले अगर मैं इसके प्लास्टिक की बात करूँ तो इसका प्लास्टिक बहुत ज़्यादा अच्छा है और कहीं ज़्यादा स्टडी है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या मिलता है हमको इस मशीन के अंदर। सबसे पहले आपको इस मशीन के अंदर मिल जाता है डिटेल ब्रोशर कि कैसे मशीन हमको यूज़ करना है, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है। इसको रख देते हैं हम साइड में। इसके बाद मिल जाती हैं आपको इसमें 5 प्रकार के बिट्स। जरा मैं आपको एक खोल के दिखा देता हूँ कौन कौन सी बिट इसके अंदर आती हैं। जिसमें कि ये 2 डिमोलिशन बिट हैं जिससे हम चिजलिंग या फिर चिपिंग का काम कर सकते हैं। इसके बाद हमको ये 3 ड्रिल बिट और मिल जाती हैं जो कि हैं 6, 8 और 10 mm की। अगर आप इन ड्रिल बिट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी मेंशन करा हुआ है 6, 8 और 10। और फिर मिल जाता है आपको यहाँ पर एक हैंडल जिससे आप मशीन में अच्छी पकड़ बना सकते हैं। और साथ में आता है डेप्थ रॉड। और यह है हमारी फाइनली रोटरी हैमर ड्रिल मशीन। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके फंक्शंस, स्पेसिफिकेशन और कैसा है इसका परफॉर्मेंस। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं इस मशीन के स्पेसिफिकेशन की। इसका साइज है 26 mm। 26 mm मतलब आप इस मशीन के अंदर 2 mm से लेके 26 mm तक की ड्रिल बिट लगा सकते हैं। RPM की बात करूं तो ये आती है 900 RPM की। और अगर हम इसके पावर की बात करें तो इसका वॉट है 900। बाकी जो ड्रिल मशीन है जो 10 mm या फिर 13 mm की आती हैं उनका वॉट आता है 300 से लेके 650। बट ये हैवी ड्यूटी रोटरी हैमर ड्रिल मशीन है इसलिए इसका वॉट बहुत ज़्यादा है जो कि है 900। अब हम इसके वायर की लेंथ की बात करें तो इसका वायर पूरा आपको 6 फिट का मिल जाता है। और ये वायर टेंगल फ्री है। टेंगल फ्री मतलब अगर आप इस वायर को ऐसे मोड़ के भी रख देंगे तब फिर ये वापस से अपनी पोजीशन ले लेता है और बिल्कुल सीधा हो जाता है। इसके साथ में आपको इस मशीन के अंदर रिवर्सिबल और वेरिएबल ऑप्शन भी मिल जाता है। हैमर ड्रिल मशीन की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है इसका SDS चक। SDS मतलब होता है स्लॉटेड ड्राइव शाफ्ट या फिर स्लॉटेड ड्राइव सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा भारी भरकम शब्द हैं। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं पुश फिट चक। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग 3 टाइप के चक बेसिकली यूज़ करते हैं। पहला तो एक की चक हो गया जिसमें हम चाबी की मदद से चक को टाइट करते हैं। दूसरा होता है कीलेस चक जिसमें की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप हाथ से ही इस चक को टाइट कर लेते हैं और ये अच्छा खासा टाइट हो जाता है। उसके बाद में आता है हमारा SDS चक जिसको हम लोग पुश फिट चक भी बोलते हैं। इसके अंदर ड्रिल बिट को लगाना बहुत ही आसान होता है। आप ड्रिल बिट लगाइए और सिर्फ पुश कर दीजिए। ये देखिए, ये इसके अंदर ड्रिल बिट लग गई। निकालने के लिए सिर्फ आपको एक अंगूठा या फिर उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं और सो खींचेंगे तो ये ड्रिल बिट निकल जाएगी। ये जो मशीन है ये बेसिकली कंक्रीट, ब्रिक और स्टोन में ड्रिल करने के लिए है, या फिर आप बोल सकते हैं इससे हम छोटी मोटी तोड़फोड़ कर सकते हैं जिसको हम लाइट डिमोलिशन वर्क बोलते हैं। पर हाँ, आप इससे मेटल, वुड और प्लास्टिक में भी ड्रिल कर सकते हैं। मगर आप ये सोचेंगे कि मैं ये मशीन सिर्फ प्लास्टिक, मेटल और वुड में ड्रिल करने के लिए ले रहा हूँ, तब फिर आपका डिसीजन गलत है क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है जिससे आपका वुड और मेटल में परफॉर्मेंस नहीं आता है। हाँ, आप ओकेजनली मेटल और वुड में इससे ड्रिल कर सकते हैं। तो अब हम कर लेते हैं इस मशीन का वेट। ये मैंने रखी मशीन, तो इसका वेट आ रहा है पूरा 2 kg 700 g। बट यदि आप इंटरनेट पे देखेंगे या ऑनलाइन देखेंगे तो ये पूरी 3 kg की मशीन बताता है। रीज़न ये रहता है कि अगर मैं इस पे पूरा वायर और इसका हैंडल रख दूं तो अब आप देखेंगे कि ये कुछ टोटल 3 kg की मशीन है। इस मशीन में आपको टोटल 4 मोड मिल जाते हैं। आपको दिख रहा है ये ड्रिल बिट का सिंबल बना है यहाँ पर, फिर एक ड्रिल बिट बनी है और एक हैमर बना हुआ है। यहाँ पर एक एरो इस तरफ है और ये ऐसे घूम रहा है, राउंड कर रहा है। ये क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। और फिर यहाँ पर एक हैमर बना हुआ है। सबसे पहले हम ये ड्रिल बिट के ऑप्शन को देख लेते हैं। अगर आपने इसका मोड ड्रिल बिट के ऑप्शन पर सेट करके रखा है तो आप इससे वुड, स्टील, वॉल, मेटल, प्लास्टिक में आराम से ड्रिल कर सकते हैं। जैसा कि हमारी नॉर्मल ड्रिल मशीन से आप ड्रिल करते हैं वैसे ही आप इससे ड्रिल कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है ड्रिल और हैमर का। ऑप्शन चेंज करने के लिए डायरेक्टली नहीं होता है, पहले आपको इसको पुश करना पड़ता है रेड बटन को अंदर और फिर आप घुमाएंगे तब ये मूव होगा। ये जो ऑप्शन है ये है ड्रिल प्लस हैमर का। इससे आप कंक्रीट और स्टोन के अंदर आराम से ड्रिल कर सकते हैं। इसके बाद ये जो आपको हैमर का सिंबल दिख रहा है इससे आप लाइट डिमोलिशन वर्क कर सकते हैं। इससे आप चिजलिंग और चिपिंग का भी काम आराम से कर सकते हैं। देखिए, चिजलिंग क्या होता है,
जैसे कि हमारे कारपेंटर भाई को भी अच्छे से मालूम होगा कि उनके पास ये छेनी रहती है, ठीक है। तो चिजलिंग को हम बोलते हैं छेनी, जिससे हम लोग पत्थर तोड़ते हैं। तो इस ड्रिल बिट से आप पत्थर तोड़ सकते हैं, प्लस आप चिपिंग का भी काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं चिपिंग को आपको साधारण शब्दों में समझाऊँ तो चिपिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। तो ये आपको दो डिमोलिशन बिट मिल जाती हैं, जिससे आप छोटी मोटी तोड़फोड़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन को समझने से पहले हम इसमें एक ड्रिल बिट लगा लेते हैं। ये मैंने लगा दी इसके अंदर बिट। अब आप कोई भी मोड चूज़ करें, सपोज़ मैंने डिमोलिशन मोड चूज़ किया है, तो आप देखेंगे बिट घूमेगी नहीं। या अगर मैं ड्रिल मोड भी चूज़ करता हूँ तो मेरी बिट घूमती नहीं है। इस वाले ऑप्शन से क्या होता है कि आपकी जो बिट है ये 360 डिग्री रोटेट कर सकती है। सपोज़ डिमोलिशन वर्क आप फ्लैट वे में कर रहे हैं, अब आपको इसको चेंज करना है, तब आप क्या करेंगे, इस मोड को यहाँ पे लेके आएंगे। अब फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं वापस से, फिर आप इसको डिमोलिशन मोड पे लेके आ जाइए, अब फिर यहाँ से नहीं घूमेगा। तो आप इन चार मोड की मदद से अपने डिफरेंट टाइप के काम कर सकते हैं। तो अब हम लगा लेते हैं अपनी मशीन में हैंडल। हैंडल लगाने के लिए आपको यहाँ से इसको ढीला करना है। ये देखिए, जस्ट आप इसको खोलेंगे और अब आप इसको यहाँ पे फिट कर दीजिए और वापस से इस हैंडल को घुमा के टाइट कर दीजिए। हैंडल रोटरी हैमर ड्रिल मशीन में लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे आपकी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी आती है, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड भी हैं तो अच्छे से काम कर सकते हैं। इसके बाद आपको हैंडल पे यहाँ पे एक रेड बटन दिख जाता है, इसको आप यहाँ पर पुश करेंगे और इससे आप अपनी यहाँ पर डेप्थ रॉट लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने डेप्थ रॉट लगा दी है। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो अब मेरी डेप्थ रॉट नहीं हिलेगी। निकालने के लिए सिंपली आप रेड बटन को पुश करिए और यहाँ से अपनी डेप्थ रॉट निकाल लीजिए। इस हैंडल में सिर्फ एक ही मशक्क़त वाली बात है, अगर ये पूरा खुल गया तो आपको इसको लगाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। इस हैंडल में आपको ये चार पार्ट मिल जाते हैं, जिसमें कि ये रहता है बोल्ट। इस बोल्ट को यहाँ पर हम ऐसे फिट करते हैं, देखिए इस प्रकार से। दिक्कत सिर्फ ये आती है कि ये हमें जो बोल्ट है इस तरफ से बाहर निकालना है, कभी कभी ये अंदर से छूट जाता है तो लगने में दिक्कत आती है। ये मैंने इसको यहाँ से बाहर निकाला, ये देखिए। अब फिर मैं इस हैंडल को यहाँ से लगा दूंगा, तो इस प्रकार से ये मेरा हैंडल लग जाता है। इसमें आपको वेरिएबल स्पीड और रिवर्सिबल ऑप्शन मिल जाता है। इसका नो लोड स्पीड है 0 to 900 RPM। वेरिएबल स्पीड का ऑप्शन इसके ट्रिगर में है। अगर आप इसको धीरे चलाएंगे तो ये धीरे घूमेगी, अगर आप इसको तेज चलाएंगे तो ये तेज घूमेगी। अभी मैं ट्रिगर धीरे चला रहा हूँ इसलिए धीरे घूम रही है। अब जैसे जैसे मैं ट्रिगर तेज चलाते जाऊँगा ये तेज घूमती जाएगी। रिवर्सिबल ऑप्शन के लिए यहाँ पर ये बटन देके रखा है, जिससे आप मशीन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। अगर आप इसके बटन को एक उंगली से नीचे करने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छी खासी मेहनत लगेगी। देखिए, ये बटन एक यहाँ पर है और एक बटन यहाँ पर है। इसको आप दो उंगली के इस्तेमाल से अगर ऊपर नीचे करेंगे, जैसे ये मैंने किया ऊपर, ये मैंने किया नीचे, तब ये इजीली होगा। एक उंगली से थोड़ी अच्छी खासी मेहनत लगती है। जब ये रेड वाला बटन नीचे रहेगा तब आपकी मशीन घूमेगी क्लॉकवाइज, इससे आप स्क्रू लगा सकते हैं, और जब आप इसको ऊपर करेंगे तब ये घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, उससे फिर आप स्क्रू खोल सकते हैं। ये जो इसका ट्रिगर है बहुत ही सॉफ्ट है, जैसे ही आप पुश करते हैं आराम से प्रेस हो जाता है, और ये है ट्रिगर को लॉक करने का बटन। अब ये बटन कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। ट्रिगर अगर आप प्रेस करके इसको लॉक कर देंगे तो आपका ट्रिगर कंटिन्यूस चालू रहेगा। और यदि आप वापस से ट्रिगर को प्रेस करेंगे तब फिर ये जो बटन है ये रिलीज हो जाएगा। रोटरी हैमर ड्रिल मशीन दो साइज में आती है, एक आती है 20 mm और एक आती है 26 mm। मेरी वाली जो है ये है 26 mm, इसके अंदर आते हैं चार मोड, और इसके बाद आती है 20 mm, जिसके अंदर आपको मिलते हैं सिर्फ दो मोड। अगर आप रोटरी हैमर ड्रिल मशीन खरीदने की सोच रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 26 mm ही खरीदिए। चलिए अब देख लेते हैं कि इसका हर मोड में साउंड कैसा आता है। तो अभी हमने इसको सेट करके रखा है ड्रिल मोड पे, तो जैसे बाकी ड्रिल मशीन का साउंड रहता है वैसे ही इसका साउंड है। अब मैं इसको सेट करता हूं ड्रिल प्लस हैमर मोड में, तो आप देख रहे हैं अब इसका साउंड थोड़ा भारी हो गया है और ये थोड़ी सी वाइब्रेट भी कर रही है। अब मैं इसको लेके आता हूं डिमोलिशन मोड पर, अब ये थोड़ी भारी चल रही है और इसका साउंड भी थोड़ा हैवी हो गया है। अगर आप यहां पर देखेंगे SDS चक को तो ये भी थोड़ा सा मूव कर रहा है।
इस मशीन में एक बात ध्यान देने वाली यह है कि जब भी आप इस मशीन में कोई भी ड्रिल बिट लगाएं तो वो 6 mm प्लस की होना चाहिए। मेरा मतलब 6 mm, 8 mm, 10 mm, 18 mm, 24 mm या फिर 26 mm, तब फिर एकदम काम आपका परफेक्ट रहेगा। ये जो मशीन है ये हैवी वर्क के लिए है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, आप कोई भी कंपनी की मशीन ले लीजिए, भले ही वो हो वंडरकट, खटीजा, चेस्टन, स्टैनले, आईमैक्स, वॉरमोर, ऐसे करके 50 कंपनियां, किसी भी कंपनी की मशीन लीजिए, आपको सेम साइज आएगा, बिल्कुल ये सब बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ तक कि सिंबल्स भी सेम रहेंगे और जो सामान है बॉक्स के अंदर वो भी बिल्कुल सेम आएगा। ड्रिल मशीन, 5 बिट्स, 1 डेप्थ रॉड और 1 मैनुअल, सब कुछ सेम रहता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। हाँ, प्राइस पॉइंट की बात करें तो प्राइस पॉइंट आपको मिलेगा 3200 से लेकर 4500 रुपये तक। अब हम बात करें जो महंगे ब्रांड हो गए जैसे कि बॉस्ट, डिवोल्ट, मटिका, इनकी जो मशीनें ये आती हैं 12000 से लेकर 14000 रुपये तक, मतलब 3500 की ये है और आपको इससे 3 से 4 गुना ज़्यादा पैसा उन मशीनों में देना पड़ेगा। बट अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज बात करूँ तो मोर और लेस सबका सेम ही है। खास तौर से रोटरी हैमर ड्रिल मशीन में आप महंगे ब्रांड में मत जाइए, ये भी अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस दे देती हैं। चलिए तो अब हम कर लेते हैं इस मशीन का डेमोस्ट्रेशन और देखते हैं कैसा है इसका परफॉर्मेंस। मैंने यहाँ पे कोई मार्बल या फिर करप्पा नहीं लेके रखा है, मैंने डायरेक्टली स्टोन लेके रखा है, तो हम इसमें ड्रिल भी करेंगे और फिर इसमें थोड़ी चिजलिंग भी करके देखेंगे। तो चिजलिंग के लिए मैंने इस मोड को हैमर पर रख के रखा है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा ज़रा आपको यहाँ पे डिमोलिशन वर्क करके दिखाया है, हमने थोड़े से ज़रा पत्थर के टुकड़े तोड़े हैं हल्के फुल्के। तो अब मैं ज़रा इसमें लगा लेता हूँ 10 mm की बिट और हम इसमें करके देखते हैं ड्रिल। ये मैंने ड्रिल बिट लगा ली है, अब मैं इसका मोड चेंज कर दूँगा ड्रिल और हैमर पर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ड्रिल करना। तो आप देख रहे हैं कुछ ही मिनटों में इसने कितना सारा ड्रिल कर दिया है, ये देखिए। तो आप ये देख सकते हैं मैंने कुछ अभी तक 3 इंच का ड्रिल इसमें कर दिया है, ये देखिए। तो कंक्रीट में, पत्थर में ड्रिल करने के लिए एकदम बेस्ट मशीन है, इसको आप बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ये पैसा वसूल है। चलिए एक और ड्रिल करके देखते हैं। मुझे कुछ 3 इंच का ड्रिल करने में 30 सेकंड से भी कम का टाइम लगा है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। इस मशीन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, वहां से भी आप इसको जाके ले सकते हैं। और हाँ, इस मशीन में आपको 2 मॉडल मिलेंगे, एक 20 mm और एक 26 mm। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 26 mm ही लीजिए क्योंकि इसके अंदर आपको 4 मोड मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए बस इतना ही। और हाँ, यदि आपको मशीन या फिर टूल से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मशीन और टूल्स की जानकारी आप तक आ सके। सो फ्रेंड्स डेट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग एंड यस कीप ड्रिलिंग।